हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू अवर स्टॉप. सो टुडेज टॉपिक अबाउट द सी शॉर्ट हैंड्स. सी शॉर्ट हैंड्स क्या है? ये सिंपली जो होता है कोडिंग, जो भी हम सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको सिंपलीफाई वे में हम कैसे लिख सकते हैं. हमें ज़्यादा कुछ ना लिखना पड़े, सिंपलीफिकेशन करना पड़े किसी भी ऑपरेटर को, सिंपली सिंपल वे में हम कैसे लिखेंगे. तो ये उसी के लिए है कि ये सेशन किसके लिए है. इट विल इंट्रोड्यूस यू टू सम स्पेशल शॉर्ट हैंड्स प्रेजेंट इन सी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सी शॉर्ट हैंड्स? इट सिंप्लीफाइज कोडिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. ओके, जैसे a इज इक्वल्स टू a प्लस टू. ए में हमें असाइन करना है, a प्लस टू असाइन करना है, तो इसको हम सी शॉर्ट हैंड क्या कहता है कि हम इसको a प्लस इज इक्वल्स टू टू भी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज इक्वल्स टू दिस. a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस टू किसके इक्वल है? ए प्लस इज इक्वल्स टू टू. इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो सी शॉर्ट हैंड का सिंटेक्स क्या है, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ सी शॉर्ट हैंड्स इट इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट द वेरिएबल, देन जो भी ऑपरेटर आपको यूज कर रहा है वो, देन इक्वल टू, और फिर इसमें आपको जो जो वैल्यू असाइन करनी है, कोई भी उसमें क्या ऐड ऑन करना है, मतलब उस ऑपरेटर के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, जो भी है, मॉडुलस है, तो आपको उसमें क्या ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है. तो आप उस कोई भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, इट कुड बी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशंस. इज इट सो? तो ले लेते हैं हम कुछ, जैसे प्लस इज इक्वल्स टू है. ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, जैसे हमने अभी पहले भी एग्जांपल लिया ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, तो इस इट कुड बी रिटन एज ए प्लस इज इक्वल्स टू वन. ओके, ये सी शॉर्ट हैंड कहता है सी का, कि आप इसको अगर इस तरीके से भी लिखते हो तो इट विल ऑल्सो वर्क. ठीक है, माइनस इक्वल टू लिखा रहता है, मतलब a इज इक्वल्स टू a माइनस टू लिखा रहता है, तो इट कुड बी रिटन एज a माइनस इज इक्वल्स टू टू. जैसे लिखा है एस्टरस्क इक्वल टू, एस्टरस्क इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन पर्पज है ना, तो एस्टरस्क इज इक्वल्स टू, मतलब लिखा है a इज इक्वल्स टू a इंटू टू. a में हमें क्या असाइन करना है, जो a के साथ अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही वैल्यू हमें a में असाइन करनी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू इज इक्वल्स टू टू. अगर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन डिवीजन इक्वल टू, जैसे लिखा है ए इज इक्वल्स टू ए रिमाइंडर ए क्वेश्चन डिवीजन टू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्वेश्चन डिवीजन इज इक्वल्स टू टू. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम ये सी शॉर्ट हैंड्स को यूज़ करते हैं. a इज इक्वल्स टू, अगर हमारा मॉडुलस सिंबल है, रिमाइंडर हमें निकालना है, तो a इज इक्वल्स टू a रिमाइंडर टू है, तो a रिमाइंडर इज इक्वल्स टू टू भी आप लिखोगे तो दिस विल ऑल्सो वर्क. ओके, सो स्टूडेंट्स डैट्स इट फॉर दिस सेशन. बस यही था जो हमें सी शॉर्ट हैंड्स के बारे में आपको थोड़ी बताना था कि कैसे हम सी शॉर्ट हैंड्स को यूज़ करते हैं. तो थैंक यू गाइज़.